समन्वय प्रबंध का सार, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि समन्वय की विशेषताएं क्या हो सकती है, डेफिनेशंस क्या हो सकती हैं, साथ ही साथ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, इस विषय पर भी हम पहले से ही बातचीत कर चुके हैं। तो समन्वय को प्रबंध का सार क्यों माना जाना चाहिए, क्या कारण है, तो ये आज इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे बच्चों आपको पता है कि हेनरी फ्योल, उर्विक, लूथर गुलिक जैसे मैनेजमेंट के जो थिंकर्स हैं, उन्होंने कोऑर्डिनेशन को प्रबंध का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन माना है। लेकिन अधिक व्यावहारिक यही प्रतीत होता है कि समन्वय प्रबंध का कार्य नहीं अपितु प्रबंध का सार या निचोड़ है। जैसे कि कून्ज एंड ओडोनेल ने भी बताया है कि समन्वय को प्रबंधकीय कार्यों का सार एवं आत्मा उनके द्वारा माना गया है। जॉर्ज आर टेरी का भी कहना है कि समन्वय को प्रबंध का कार्य मानना गलत है। उनके विचार में समन्वय तो नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण के माध्यम से ही किया जाता है। इसी तरह न्यूमैन ने भी मत दिया है कि समन्वय कोई पृथक कार्य नहीं है बल्कि प्रबंध के सभी स्तरों का भाग है। इसलिए समन्वय प्रबंध का सार ही है। समन्वय प्रबंधकीय कार्यों को एक सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि कोऑर्डिनेशन मैनेजरियल फंक्शंस की बात करें तो प्रबंधकीय कार्य इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से प्रबंधकीय कार्यों से प्रबंध प्रक्रिया तभी बनती है जबकि मैनेजरियल फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन फ्लो करता रहे। जब सभी मैनेजरियल फंक्शंस में समन्वय की एक तरह से गंगा बहने लगती है तो प्रबंधकीय कार्य स्वतः ही आगे से आगे बढ़ते रहते हैं और प्रभावी हो जाते हैं। तो प्रबंध कार्यों में समन्वय एक तरह से मिक्स होता है तभी प्रबंध सफल होता है। तो प्रबंध के जितने भी फंक्शंस हैं उसमें समन्वय को सम्मिलित करना बहुत ही आवश्यक है। तो वन बाय वन विल टेक ऑल द फंक्शंस और उसका कोऑर्डिनेशन के साथ में कैसे रिलेशन है वो इस लेक्चर में हम देखते हैं। तो पहला आता है नियोजन एवं समन्वय। नियोजन जैसे कि आपको पता है कि प्राथमिक कार्य हम मैनेजमेंट का मानते हैं और प्रभावी नियोजन करने के लिए सभी विभागों उप विभागों के नियोजन का संस्था के संपूर्ण नियोजन के बीच समन्वय करने का प्रयास करता है। इन सभी की योजनाओं में एकरूपता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है और सभी की योजनाओं के उद्देश्यों एवं संसाधनों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास भी किया जाता है। तो प्रबंधक सभी विभागों उप विभागों के प्रबंधकों और कर्मचारियों की समस्याओं, इच्छाओं और उनके समाधान के विकल्पों के संबंध में विचार विमर्श भी करता है। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रबंधक नियोजन कार्य से ही प्रभावी समन्वय स्थापित करने का प्रारंभ कर देता है। दूसरा पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं संगठन एवं समन्वय। समन्वय को ऑर्गेनाइजेशन का एक आवश्यक सिद्धांत माना जाता है। समन्वय संगठन के सिद्धांत की पूर्ण रूप से डिस्क्रिप्शन भी करता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है और उसके बाद में जब ऑपरेशन तक की पूरी उसकी प्रोसेस चलता है तब तक प्रबंधक को समन्वय करना ही पड़ता है। तो संगठन के निर्माण में कार्यों का विभाजन अनिवार्य होता है और जहाँ भी कार्य विभाजन किया जाता है वहीं समन्वय आवश्यक भी हो जाता है। और यदि कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता है तो समन्वय वहाँ पर भी आवश्यक हो सकता है। तो किसी भी संगठन के जीवित रहने के लिए समन्वय एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं इसमें नियुक्ति एवं समन्वय। प्रबंधक को समन्वय तब भी करना पड़ता है जब वह कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी सभी कार्यों को संपन्न करता है। उसे कर्मचारियों की आवश्यकता एवं योग्यताओं का निर्धारण करने, उनकी भर्ती करने, उनका चयन करने, उनके प्रशिक्षण करने की व्यवस्था, उनका मूल्यांकन करने और पारिश्रमिक निर्धारित करने, उनकी पदोन्नति, पदावन्नति, ट्रांसफ़र, नीति निर्धारण करने आदि सभी कार्य में उसको समन्वय करना ही पड़ता है। ऐसा करने पर ही सही प्लेस पर सही पर्सन को लगाया जा सकता है और इसी से सारे एम्प्लॉयज़ के कार्यों में समन्वय आसानी से किया जा सकेगा और सभी
का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है निर्देशन एवं समन्वय। निर्देशन एवं समन्वय की यदि हम बात करें तो निर्देशन कार्य में भी कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। निर्देशन में अभिप्रेरण, नेतृत्व, मनोबल निर्माण, पर्यवेक्षण, कम्युनिकेशन आदि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए उनकी फिजिकल, मेंटल और उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु समन्वय करना आवश्यक होता है। साथ ही साथ अभिप्रेरणा की सकारात्मक और नकारात्मक विधियों तथा व्यक्तिगत और सामूहिक हितों के बीच पर्याप्त समन्वय स्थापित करके ही प्रभावी अभिप्रेरण व्यवस्था की जा सकती है। नेतृत्व लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की कला है, तो प्रत्येक नेतृत्वकर्ता या प्रबंधक अपने अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करने और इच्छित कार्य करवाने हेतु नेतृत्व के विभिन्न स्टाइल्स में संतुलन और समन्वय स्थापित करता है। और लास्ट इसमें हम ले सकते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण प्रबंध का वह कार्य है जिसमें कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हो रही है, उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं, उसका कंपैरिजन निर्धारित लक्ष्यों के साथ में किया जाता है और तत्पश्चात उसमें कोई अंतर रहता है तो करेक्टिव मेजर्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और जो वास्तविक परिणाम है या निर्धारित लक्ष्य में जो स्थापना की जाती है वो उसका रोल समन्वय यहाँ प्ले करता है। तो इस प्रक्रिया में प्रबंधक को प्रत्येक विभाग, उपविभाग, कर्मचारी का कार्यों में कोऑर्डिनेशन भी बनाए रखना पड़ता है। तो जो हमने ऊपर जितना भी पढ़ा है, अभी से पहले जो पढ़ा है, उसमें ये बात स्पष्ट है कि प्रबंध के प्रत्येक कार्य में समन्वय अंतर्निहित है। समन्वय के अभाव में प्रबंध के कार्य अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते हैं और कोऑर्डिनेशन के कारण ही प्रबंध के कार्य प्रबंध प्रक्रिया का स्वरूप प्राप्त कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि एग्जांपल अगर लें कार है, तो कार के अगर सारे ही पुर्जे खरीद अगर लेते हैं तो उसे कार नहीं बन जाती है, बल्कि उसी प्रकार प्रबंध के सभी कार्य कर लेते हैं लेकिन फिर भी प्रबंध नहीं हो पाता है। जैसे कि कार्य के जितने भी पुर्जे खरीदे हैं उन सब का जब कॉम्बिनेशन होगा उसके बाद ही कार का निर्माण होगा। ठीक उसी प्रकार प्रबंध कार्यों का सही समन्वय होने पर ही प्रबंध कार्यों से अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो पाता है। तो समन्वय प्रबंध का सार है या आत्मा है, यह आत्मा प्रबंध में रची बसी होनी ही चाहिए। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा समन्वय की आवश्यकता।